24 घंटे में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत। अलीगढ़ के थाना टप्पल क्षेत्र स्थित गांव करनपुर में 24 घंटे के भीतर एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत से कोहराम मच गया। 28 वर्षीय युवक की बीमारी से मौत के बाद उसकी पत्नी ने रो रो कर प्राण त्याग दिया। मां के आंचल के लिए रोते 6 माह के बच्चे की भी मौत हो गई। इस घटना ने लोगों को झकझोर कर रख दिया। अब ये तो ना ये समझ हादसा तो कुछ है नहीं। अब बच्चे की तबीयत, चलो लड़के की तबीयत मानता हूँ, लड़के की तबीयत खराब थी, दवाई चल रही थी उसकी तबीयत खराब, लेकिन मेरी की तो कुछ नहीं थी ना, वो तो ठीक थी। उसे एकदम से सदमा लगा है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ वो भी एक्सपायर हो गई। उसके बाद ही शाम को बच्चे ले जाने लगे उसकी माँ को, बच्चे ने दम दे दिया। इसमें तो सर इतनी बड़ी खबर होगी ना, तो कोई अधिकारी ना कोई प्रधान है। सबसे पहले किसकी मौत हुई थी? पहले उसकी हुई थी सर, लड़के की हुई थी, येदल की, येदल सिंह की हुई थी। फिर उसके बाद क्या? उसके बाद उसकी वाइफ की हुई थी सर। क्या वजह रही होगी, क्या बीमार थी वो? बीमार कुछ नहीं थी, ये रोते रोते उनका वैसे सदमा सा हुआ है, अटैक हुआ है, क्या हुआ ये तो। फिर उसके बाद में क्या? उसके बाद में सर उन्हें ले जाने लगे, उन्हें तैयारी करने लगे तो बच्चे ने दम दे दिया। मेरी विधानसभा का गांव करणपुर है, वहां पर एक ही परिवार के तीन सदस्य हैं, येदल सिंह है, उनकी पत्नी पिंकी और उनका 6 माह का बेटा है, उसकी जो है आकस्मिक निधन हुआ है। तो मैं पूरे परिवार को वहाँ संतावना देने पहुँचा, और जो परिवार में उसके दो बेटियाँ बची हैं निश्चित शासन से, और मेरी भी अपनी मंशा है कि उस परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा मदद दिलाई जाएगी, जिससे कि जो उनके छोटे छोटे बच्चे रह गए हैं, ठीक है, उनके पालन पोषण में, उनकी शिक्षा में किसी तरह का कोई अभाव ना आए। निश्चित मैं और सरकार द्वारा दोनों मिलकर पूरी मदद करेंगे।